हर इंसान के अंदर दो भेड़िए होते हैं, एक अच्छाई का, दूसरा बुराई का। गालिब वही आता है जिसे हम खिलाते पिलाते हैं। चीखो पुकार इंसान के वकार में कमी का बायस बनती है। लोगों को अपनी खामोशी से खौफ ज़दा करना सीखो। इस दुनिया में सुकून से जीने की एक ही तदबीर है कि हर इंसान के पास एक वसी व अरीज़ कब्रिस्तान हो, जहां वो दूसरों की गलतियों और खामियों को दफना आया करे। ज़िंदगी के आधे गम इंसान दूसरों से गलत तवक्कुआत करके ख़रीदता है। बंद आँखों में नज़र आने वाले वो लोग होते हैं जो दिल के उस कोने में बसते हैं जहाँ से मोहब्बत जन्म लेती है। आप कितना ही इल्म क्यों ना पढ़ जाओ, आप कैसे ही आलिम क्यों ना बन जाओ, लाजिम नहीं कि हदायत पा जाओ। ये अल्लाह की ऐसी अता है जिसके लिए वो खुद इंतखाब करता है। इल्म के सच्चे तालिब बन जाओ और गिड़गिड़ा के दुआ करो, शायद यही पहली सीढ़ी है। जब आप तजर्बात से भर चुके होते हैं तो इस कदर बूढ़े भी हो चुके होते हैं कि कोई भी आपके तजर्बात को मुलाजमत नहीं देता। असली हक का तसव्वुर अब इंसान के पास नहीं रहा। कुछ मांगना है तो असली हक मांगो। जब मोहब्बत मिलेगी तो फिर सब हक खुशी से अदा होंगे। मोहब्बत के बगैर हर हक ऐसे मिलेगा जैसे मरने के बाद कफन मिलता है। आदत मोहब्बत से ज़्यादा जानलेवा होती है। मैंने कई मोहब्बतों को फना होते देखा है, मगर आदत मोहब्बत से भी बढ़कर होती है। मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती, असल मोहब्बत आदत का नाम है। अफसोस ये वो मुआशरा है जहां लोग गंद उठाने वालों को गंदा समझते हैं। हमेशा बुराई से नफ़रत करना, बुराई करने वाले से नफ़रत मत करना, वरना आप में वो बुराई पैदा हो जाएगी और आप पर तवज्जो का दरवाज़ा हमेशा बंद हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया।